उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एक सौतेले पिता ने अपने 3 वर्षीय मासूम बेटे की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर आरोपी पिता वहां से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई और मृतक मासूम के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के रानी डामर में कल एक पिता ने अपने बेटे की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की वजह बताई जा रही है कि बेटा पिता के मना करने के बाद भी शैतानी कर रहा था, लेकिन पिता ने इसी बात से आक्रोशित होकर अपना आपा खो दिया और अपने 3 वर्षीय मासूम बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 वर्षीय मासूम आयुष के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पिता की तलाश कर रही है और आरोपी पिता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि आरोपी पिता मेघ सिंह का 4 माह पूर्व पुष्पा से विवाह हुआ था और पुष्पा अपने 3 वर्षीय बच्चे को उसके घर साथ लेकर आई थी और इसी बात को लेकर आरोपी पिता का विवाद रहता था। और कल उसने मौका देखकर जब घर के सभी सदस्य खेत पर गए थे तो उसने बच्चे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। एक बच्चे की मौत हो गई, क्या कारण है? पूरा रानी डामर गाँव है, थाना सिकंदरपुर इसमें बच्चा जो 2.5 वर्ष का था, इसके पिता मेघ सिंह जिसको मार दिया था और लास्ट में की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये इसका सौतेला पिता था। 3-4 महीने पहले उसको अपनी पत्नी को लेकर आया था, झगड़ा उसमें हुआ है, उसमें इसकी वजह से ही इसने इसकी हत्या कर दी है और जाँच चली है।